रे पगली नो 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 रे पगली आता है। हाँ 200 रुपए पीस। जो भाई का चैनल सब्सक्राइब करके आएगा उससे 20% डिस्काउंट मिलेगा। क्या बात क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वेलकम, आज इधर दिखा दिए। तो गाइस जिन लोग भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आओगे अभी जब तक खादी मेरा रहेगा 20% डिस्काउंट देंगे, एकदम खुलकर बोल रहे हैं एकदम। आइए, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारा न्यू ब्लॉग में स्वागत है और एक बार फिर से आप आ गए हैं शशि ब्लॉगर 666 के साथ रांची का खादी मेला में, जो कि मोराबादी में लगा हुआ है। और देख सकते हैं होठवा के लड़िया कनवा के बलिया, और ये देख सकते हैं पोच पे पोच मारे जा रही है। और फिर मिल गए हमें महात्मा गांधी, जिंदगी झंड कर देंगे सालों की, हमने कत्ल करवा लिए बात। इतिहास मैंने बता रखा है छोटा सा एक शॉर्ट ब्लॉग में, तो आप लोग जाइए देखिए और लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए। और गाइस जितने लोग भी इस ठंडी में शादी करने का सोच रहे हैं, जिन्हें सोफा कशिया पलंग खटिया नहीं मिला है, तो जल्दी से जाओ और खादी मेला में ले लो। तो गाइस हमारा ये कमेंट कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट में बताना, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे तो खादी मेला में आप लोग को मिलेगा डिस्काउंट। और ये हमारा सबसे पसंदीदा झूला, जो कि हमें बहुत मजा आया था, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा फोन हो गया था ऑफ। तो गाइज उसके बाद देख सकते हैं ये अचार का कलेक्शन है, जिससे जिसे अचार पसंद है। और देख सकते हैं ये ड्रेस का कलेक्शन है, तो मैं हर एक चीज में वीडियो के अंदर बताने वाला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो स्टार्ट करते हैं कनवा के बलिया के साथ। मैं वीडियो बना रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो चलिए और भी कुछ कुछ दिखाते हैं, और जो कि काफी यहाँ पे न्यू चीज़ और खादी का बहुत सारा चीज़ आया हुआ है। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं। हे गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ सुबह और उनके उसके बाद चलिए हम बात करते हैं इनसे। यहाँ का कालीन है जो, इसका क्या प्राइजेस है आप बता सकते हैं? बताइए। मैं जी देखिए, ये हाथ से बुना हुआ चीज़ रहता है सारा। क्या ये सब हाथ से बुनावट किया रहता है? ये 200 रुपये पीस आता है। हाँ 200 रुपये पीस। जो भाई का चैनल सब्सक्राइब करके आएगा उससे 20% डिस्काउंट मिलेगा। क्या बात क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वेलकम, आज इधर भी देखेंगे, ये सब आएगा आपको 250 रुपये पीस आ जाएगा। हाँ ठीक है। और ये सब भी हाथ से बुना हुआ, सारा हाथ से बुनावट किया रहता है, सब सारा हाथ से बना हुआ है, हाथ से बनाया रहता है हम लोग का। ये सब क्या प्राइसेस है भाई? ये सब का ये आपको 250 रुपये पीस पड़ेगा। 250 पीस। ये सब खराब होने वाला चीज नहीं रहता हम लोग का। और ये सब सारा ये 300 रुपये के आसपास आएगा, ये 350 आएगा। ये सब आपको आएगा 1500 का दो पीस पड़ेगा। 1500 का दो पीस, ये 800 का दो पड़ेगा। ये 800 का दो पीस। ये सब देखिए, ये सब भी हाथ से बना हुआ चीज 1200 पड़ेगा। सारा यहाँ पे जितना है ना, हाँ ज्यादातर हैंडमेड है। हाँ क्योंकि बहुत कम है, खादी मेला मतलब ज्यादातर हाथ से ही बना हुआ रहता है, ज्यादा यही चलता है ना। और दिखा दीजिए आपको। चिपक जाता, स्लिप नहीं करता। तो गाइस जिन लोग भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आओगे अभी जब तक खादी मेला रहेगा 20% डिस्काउंट देंगे, एकदम खुलकर बोल रहे हैं एकदम। आइए गाइस, मैंने इस भाई से बात करने के बाद मैं निकल पड़ा, देख सकते हो मैं फ्लावर पोर्ट की ओर चल रहा हूँ, जो कि वुडन से बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत, तो दिखने में भी अच्छा है। तो गाइज़ उसके बाद हर इंसान के अंदर एक सोफ़ा का शौक़ होता है जब अपना घर बनाता हो, तो गाइज़ ये सोफ़ा का नाम है महाराजा सोफ़ा, जो कि बेहद खूबसूरत, जो कि घर में लगा देने के बाद 4 चांद लग जाते हैं। आपके घर जितने भी गेस्ट आएंगे देखकर एक बार ज़रूर पूछेंगे कि आपने लिया कहाँ से। तो गाइज़ अगर इस सोफ़ा अगर बात करो, अगर बाहर ले जाएंगे तो 1 लाख प्लस प्राइस है, और अगर आप खादी मेला के अंदर से लेते हैं तो 60 से 70 हज़ार के बीच में ये सोफ़ा आ जाता है। और देख सकते हैं वुडन से बना हुआ है एलिफेंट, और ये देख सकते हैं इनके अंदर छोटा छोटा मेटल लगा हुआ है ये फ्लावर पोट के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस उसके बाद अब हम लोग चलने वाले हैं हमारे झारखंड से, गांधी जी का एक रिलेशन रहा है, और चलिए उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और ये देख सकते हैं गाइस, और ये जो आप कार देख रहे हैं इसके अंदर, इस कार का मॉडल नंबर था 1927, और ये कार का नाम है फोर्ड कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल सोचो,
इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि अगर आज के डेट में हम लोग BMW मर्सिडीज जैसा महंगा गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर ये फीचर्स होता है जो कि अगर आपको अगर सपोज 20 30 40 50 का स्पीड में चलना है और एक बार फिक्स कर दिए तो वो चल रहा है गाड़ी तो चल रहा है। सोचिए आज से उस समय ऐसा फीचर्स था गाड़ी में, सोचिए गाइस। और भी बहुत ऐसा कुछ है इसके अंदर जो कि हम लोग चलिए जानने वाले हैं। और गाइस देख सकते हैं यहाँ जितना भी आपको जो भी चीज़ बना हुआ दिख रहा है सब हैंडक्राफ्ट है। ये देख सकिए बांस से बना हुआ है, ये भी देख सकिए बांस से बना हुआ है। यहाँ पे जितना भी चीज़ आपको लगभग चीज़ दिख रहा है ये बांस से बना हुआ है। और ये देख सकते हैं वो मशीन है, जिससे कि सिल्क का धागा तैयार किया जाता है। देख सकते हैं ये पूरा जो टेंट ही है जो सिल्क से बना हुआ है। तो गाइज मैंने महात्मा गांधी जो गाड़ी यूज़ किए थे झारखंड आने के बाद, मतलब रांची में जो फर्स्ट टाइम आए थे, मैंने बताया। और ये देख सकते हैं धागा किस तरीका से बनता था और कैसा निकलता धागा, ये मशीन है देख सकते हैं आप। और यहाँ हर एक चीज़ बताया हुआ है कि किस तरीका से बनाते थे लोग और क्या क्या बनाते थे, क्योंकि खादी मेला लगभग हैंडक्राफ्ट ही दिखता है। तो गाइज उसके बाद हम लोग चलते हैं अब थर्ड प्रो की ओर, जो कि और यहाँ देख सकते हैं अचार का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, अचार का कलेक्शन है, चॉकलेट का कलेक्शन है, मधु का भी कलेक्शन है। और देख सकते हैं यहाँ अब आ चुके हैं हम लोग कपड़ा की कलेक्शन की ओर, जो कि कश्मीरी शॉल और बहुत ऐसे चीज़ हैं जो कि यहाँ पे इस खादी मेले में सेल हो रहे हैं देख सकते हैं। और देख सकते हैं गाड़ी के चैन वगैरह अगर लेना चाहते हो आप, ब्रेसलेट वगैरह अगर लेना चाहते हो तो यहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल है। बच्चा लोग के लिए बच्चा का टॉय भी यहाँ पे अवेलेबल है देख सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फैंसी बैग, हर एक चीज़ का कलेक्शन है इस खादी मेले में। तो गाइस देख सकते हो आज मैं पूरा खादी मेला को आप सभी को घुमाने वाला हूँ। और ये रहा हमारे झारखंड का जो कॉस्ट्यूम है देख सकते हैं, बेचारे ये बोर हो रहे हैं बैठ बैठ कर, इन लोग का सेल नहीं हो रहा। और ये देख सकते हैं हमारे झारखंड का ये गमछा जो कि आन बान शान है हम सभी लोग के लिए। तो गाइज मैं किस तरह से मैं जो भी आपको जानकारी दिया हूँ प्लीज़ आप लोग उसे लाइक करना, कमेंट्स करना, फॉलो करना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई कमेंट्स करना। और हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पेज पे होगा आप तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। उसके बाद भाई आपका भाई चलेगा जिधर साइड बच्चा लोग का झूला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ, हाय हाय हाय। और ये देख सकते हैं प्योर लेदर का बैग से सब, जो कि बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है। मैंने जब कोलकाता गया था तो उस टाइप का मतलब यहाँ पे बैग दिखा था जो कि काफ़ी महंगा मिलता है, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया बैग का दाम था। और ठंडी में अगर कैप खरीदना चाहते हैं या फिर हेडफोन जैसा जो कैप आता है वो ख़रीदने के लिए यहाँ पर हर एक चीज़। और ये देख सकते हैं बचपन का सारे खिलौना, लट्टू हो गया, क्या क्या हर एक चीज़ घर में जो हैंग करते हैं हम लोग। क्या भैया क्या चल? और यहाँ पर काफ़ी मतलब भीड़ है मेला में, देख सकते हैं कैमरा में बिल्कुल ऊपर उठाकर चल रहा हूँ। और ये देख सकते हैं तो गाइस कपड़ा कलेक्शन का
लगभग मैंने वीडियो दिखा दिया, तो उसके बाद आपका भाई निकल पड़ा है झूला की ओर, और देख सकते हैं झूला बेहद खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं झूला की ओर। ये खादी मेला का झूला है जो कि इतना शानदार दिख रहा है, और यहाँ बच्चा लोग के लिए तो बहुत सारे झूले हैं, हम लोग के लिए तो कुछ कुछ झूले दिख रहे हैं। देख सकते हैं झूले में काफी ऐसे लोग हैं जो कि झूला का एंजॉय कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं डांसिंग कार जो कि बहुत मजा आता है इसके अंदर। देख सकते हैं यहाँ काफी लोग इंतजार कर रहे हैं डांसिंग कार का, डांस आता हो ना आता हो बट डांसिंग कार पे जरूर चढ़ेंगे, क्या बात। और ये देख सकते हैं हनुमान जी का यहाँ पे गधे के साथ सभी बच्चा को रक्षा करते हुए। तो प्लीज मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉक के। तो भाई लोग झूला झूलने के बाद मुझे लग गया था भूख, तो उसके बाद मैं निकल पड़ा जहाँ पे खाना का भंडार ही भंडार मुझे दिख रहा था। और इस मेले के अंदर आप देख सकते हैं हर एक ऐसा आपको खाना मिलेगा, जैसे भात दाल रोटी सब्जी या फिर हर एक चीज़ का कलेक्शन मिलेगा। तो गाइस हम